आमतौर पर IVF के दौरान महिला से प्राप्त अंडों को पुरुष के शुक्राणुओं से मिलाया जाता है और भ्रूण बनाया जाता है। उसके बाद उन भ्रूणों को एम्ब्रियो कल्चर में 3 से 5 दिन तक इंक्यूबेटर में रखा जाता है। उसके बाद उन्हें महिला के शरीर में यानी यूट्रस में स्थापित किया जाता है। इसके बाद भ्रूण अपने आसपास की बाहरी परत को, जिसे कि जोना पेलोसिडा कहते हैं और वह प्रोटीन की बनी होती है, उसको तोड़ कर के बाहर आते हैं और यूट्रस की अंदरूनी लाइनिंग, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उससे चिपक जाती है। कई केसेस में देखा गया है कि भ्रूण की बाहरी परत बहुत मोटी होती है या सख्त होती है, वे उसे तोड़ नहीं पाते हैं और वह बच्चेदानी से नहीं चिपक पाता है। इसे हम इम्प्लांटेशन फेलियर कहते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि लेज़र असिस्टेड हैचिंग क्या होती है। भ्रूण को 3 से 5 दिन तक इंक्यूबेटर में रखने के बाद उन्हें माइक्रोस्कोप में चेक किया जाता है। उसके बाद उन्हें लेज़र के द्वारा या तो उसमें उसकी बाहरी परत में या तो छेद किए जाते हैं या उसे पतला किया जाता है। उसे दोबारा माइक्रोस्कोप में चेक करने के बाद महिला के शरीर में स्थापित किया जाता है।